हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहले सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। क्लास आज सभी साथियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से लाइव जुड़े। यह क्लास आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जल्दी जल्दी लाइव आइए। फ्रेंड, आप सभी के लिए यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, आप घोड़े को, जी हाँ, आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत किस पर है? बुद्धि के सीखने की बुद्धि पर, सीखने के प्रति सजगता पर, सीखने के प्रभाव पर, या सीखने की रुचि या इच्छा पर? बताए फ्रेंड, यह किसका जो है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन है, फर्स्ट कर अपने आंसर कमेंट करें। बताए फ्रेंड, यह किस पर आधारित है, जल्दी जल्दी बताइए। आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत सीखने की बुद्धि पर आधारित है, या सीखने के प्रति तत्परता पर, या सीखने के प्रभाव पर, या सीखने के प्रति रुचि पर? जी हाँ, जब तक कोई बालक कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है तब तक आप उसे कार्य नहीं करवा सकते हैं। अर्थात यह तत्परता के नियम पर आधारित है, जिसको एडवर्ड एल थांडाइक ने दिया है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का सही जवाब है। एडवर्ड एल थांडाइक ने जो सीखने का नियम दिया है उसी पर आधारित है आपका यह पहला क्वेश्चन, कि आप घोड़े को तो तालाब के पास ले जा सकते हैं, अर्थात बच्चे को आप जबरदस्ती पढ़ने बैठा सकते हैं, लेकिन पढ़ेगा कब? जब वो पढ़ने के लिए इच्छुक होगा, जब तत्पर होगा, अन्यथा आप बैठा के चले जाएंगे लेकिन वो पढ़ेगा नहीं। यही यहाँ पर कहना है थान राय जी का, इसलिए विकल्प नंबर बीस का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े फ्रेंड, किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। ये उत्कथन थान राय जी के नियम से संबंधित है, तत्परता के, प्रभाव के, अभ्यास के, या बहुप्रतिक्रिया के? बिल्कुल सिंपल था यह भी क्वेश्चन फ्रेंड, आई होप सभी साथियों के जवाब 100% सही है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, उक्त कथन थान राय के किस नियम से संबंधित है? फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट सभी साथी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। विकल्प नंबर सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी ऐसा कर चलिए, सी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया फ्रेंड। अब देखिए, बार बार कह रहे हैं तो बार बार का मतलब अभ्यास ही होता है ना। यदि किसी काम को बार बार करने के लिए बात कर रहे हैं और बार बार करने से उस काम में व्यक्ति क्या है, परिपक्व होता है, तो यह अभ्यास का ही नियम तो होता है। जैसे क्या होता है गणित के लिए, गणित के लिए जब आप एक ही क्वेश्चन को, एक ही फार्मूले को बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार सवाल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सवाल किस तरीके से आपको नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो सवाल निश्चित तौर पर आपको आएगा। तो सेम यही रूल फॉलो हो रहा है इसमें आपके, कि कोई भी क्रिया यदि आप बार बार करते हैं तो उसमें आप सुदृढ़ हो जाते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही है। निम्नलिखित में से सीखने का नियम नहीं है, अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, और प्रेरणा का नियम, प्रभाव का नियम, कौन सा फ्रेंड सीखने का नियम नहीं है? बिल्कुल सिंपल था यह भी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी के जवाब 100% सही होंगे। यह सीखने का नियम नहीं है, अभ्यास का नियम भी है, तत्परता या तैयारी, जी हाँ, इसको तत्परता कहिए या तैयारी कहिए, दोनों तत्परता का नियम, इसे आप तत्परता कह लीजिए, तैयारी कह लीजिए, तो यह भी है। अब प्रेरणा का नियम नहीं है, प्रभाव का नियम भी है। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड, सॉरी विकल्प नंबर सी प्रश्न नंबर 3 के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रभाव के नियम को संतोष का नियम भी कहते हैं फ्रेंड, संतोष का नियम, जी हाँ। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल, सॉरी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सी द राइट आंसर। अब प्रेरणा का नियम जो है आपका, वह सीखने के नियम संबंधित है, बाकी सभी सीखने के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया है, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया है? थान राय, पावलोव, गिलफोर्ड, कोहलर। प्रयत्न एवं त्रुटि का नियम किसने दिया है, थान राय, पावलोव, गिलफोर्ड, कोहलर? फटाफट आंसर कमेंट कर देता है फ्रेंड, किसने दिया है प्रयास एवं त्रुटि का नियम, जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट बताइए।
क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, एस आर थियरी, संबंधवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। इस सारे सिद्धांत को किसने दिया है? इन सभी सिद्धांत को देने वाले एक ही मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, एडवर्ड एल थॉर्नराइक। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, थॉर्नराइक इज द राइट आंसर। थॉर्नराइक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है, थॉर्नराइक का सिद्धांत, थर्टन का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत या हल्का सिद्धांत? बताए फ्रेंड, धीमी गति सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? चलिए आंसर आने पर आरम्भ चुके ए, और भी सभी साथी ए ए ए। जी हाँ बिल्कुल, और भी सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड, धीमी गति सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? चलिए ए, बहुत बढ़िया फ्रेंड, थॉर्नराइक इज द राइट आंसर। थॉर्नराइक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए जो उपयोगी सिद्धांत है वह थॉर्नराइक का सिद्धांत है। थॉर्नराइक में मंद बुद्धि बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी का सिद्धांत है, क्योंकि क्या होता है कि किसी सिद्धांत में जो अभ्यास का नियम है वह क्या है, किसी भी क्रिया को बार बार करके सिखाया जाता है। जो प्रभाव का नियम है या संतोष का नियम है, किसी भी कार्य करने को बालक को संतुष्टि दिलाई जा रही है तब बालक उसको कर रहा है, मतलब इस प्रकार से कराया जा रहा है कि एक उद्दीपक दिया जा रहा है। सबसे पहली बात, बड़ी बात तो एक उद्दीपक के द्वारा कार्य को करवाया जा रहा है, इसलिए इनका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों के अधिगम के लिए किस नियम पर आधारित है? आंतरिक क्रिया, बहुप्रतिक्रिया, आत्मीकरण या उपयुक्त? कोई नहीं, कह रहे हैं शिक्षक अपने संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दे रहा है, वह किस नियम पर आधारित क्रिया करके बच्चों को सिखा रहा है? आंतरिक क्रिया करके, बहुप्रतिक्रिया करके, आत्मीकरण करके या उपयुक्त? से कोई नहीं, जल्दी से बताएं फ्रेंड, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? फटाफट सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होंगे, या फटाफट बताइए फ्रेंड। छोटे छोटे खंड के बंटने का मतलब तात्पर्य यहाँ पर फ्रेंड कि बहु, जी हाँ बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करनी पड़ेंगी। जी हाँ छोटे छोटे मतलब क्या होगा, आंतरिक क्रिया का नियम। जी हाँ विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आंतरिक क्रिया का नियम होगा। छोटे छोटे बांटने का मतलब क्या है कि छोटी छोटी बांट कर क्रिया, मतलब आंतरिक मतलब छोटे रूप में कर देना। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होंगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? आंतरिक क्रिया के नियम पर, बहुप्रतिक्रिया के नियम पर, आत्मीकरण के नियम पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? यह प्रश्न पूछा जा रहा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आंतरिक क्रिया के नियम पर, बहुप्रतिक्रिया के नियम पर, आत्मीकरण के नियम पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फ्रेंड अपने आंसर कमेंट करिएगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किस थियरी पर आधारित है? दिया अंत का मतलब होता है टुकड़ा, आंतरिक क्रिया का मतलब छोटी छोटी भागों में बांट कर। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है फ्रेंड कि मतलब क्या है, गलती करते हैं मतलब प्रयास करते हैं और गलती करने पर सीखते, कहने का मतलब फ्रेंड बहुत सारी प्रतिक्रिया करने के पश्चात जब व्यक्ति को अधिगम प्राप्त होता है तो थॉर्नराइक का सिद्धांत प्रस्तुत यहाँ पर सफल होता है। इसलिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बी द राइट आंसर। जी हाँ एक काम को करने के लिए पहले बहुत सारी, जी हाँ बहुत सारी प्रतिक्रिया को अपनाया जाता है, उनमें से जो सटीक लगे उसी के द्वारा कार्य को अंजाम दिया जाए, यही होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम जिस पर आधारित है थॉर्नराइक के सीखने का सिद्धांत। शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर, जी हाँ शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्यापन करवाना है, अधिगम के किस नियम पर आधारित होगा? आंतरिक क्रिया के नियम पर, बहुप्रतिक्रिया के नियम पर, आत्मीकरण के नियम पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अपने आंसर करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर आधार पर
अध्यापन करवाना चाहिए। अधिनियम क्या है? अधिनियम किस नियम पर आधारित है? आर्थिक क्रिया के, बहुप्रतिक्रिया के, आत्मीकरण के या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सभी साथी फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताएं। ज्ञात से अज्ञात, जी हाँ, मतलब जो चीज़ें बच्चों को ज्ञात है उनका सहारा लेते हुए अज्ञात चीज़ों के बारे में बताना, यह आत्मीकरण के नियम पर आधारित है, सादृश्यकरण के नियम पर आधारित है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। जी हाँ, यह आत्मसादृश्यकरण के नियम के आधारित है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, टंकन का कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन, स्किनर की क्रिया प्रस्तुत, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार या थान राय के सीखने के सिद्धांत के अनुसार? जी हाँ, थान राय के सिद्धांत के अनुसार। बताइए भाई, टंकर कार्ड का यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, अभ्यास का जो नियम फ्रेंड, थान राय के मुख्य नियम में अभ्यास का जो नियम है उसके दो भाग है, उपयोग का नियम तथा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम यह बताता है कि जिस कार्य को आप बार बार करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वह चीज़ें आपकी निरंतर बनी रहेगी, और जिस अधिगम का आप बार बार प्रयोग नहीं करते हैं वह अधिगम विस्मृति में चली जाती है। इसका मतलब यह भी बिल्कुल सही होगा जवाब, इसका विकल्प नंबर डी। टंकर का कार या कंप्यूटर पर यदि आप अभ्यास नहीं करते तो भूल जाते हैं, यह थान राय के सिद्धांत का अनुसार है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर फ्रेंड। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मैं अपनी चाबियां मेरी टेलीफोन के पास खूंटी पर ताकता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं, यह उदाहरण है अनुबंधन का, प्रयत्न भूल का, लापरवाही का या प्रेरणा का? तो बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चन है कि मैं पहले चाबियां टेलीफोन के पास खूंटी पर ताकता था, अब मैं चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं खूंटी के पास। देखिए क्या है, यह आपके पावलाव के थियरी से संबंधित है कि जैसे उन्होंने घंटी से अनुबंधन करा दिया था कुत्ते का कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही भोजन आएगा, मतलब एक अस्वाभाविक उद्दीपक का एक स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ जो है जो संबंध स्थापित करा दिया था, वही अनुबंधन यहाँ पर भी है कि मतलब आप खूंटी के साथ इस प्रकार से संबंधित हो चुके हैं कि आप बार बार उसी भी जगह पर जाते हैं। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। अनुबंधन आपका खूंटी के साथ अनुबंधन हो गया है, इसीलिए आप बार बार न रखते हुए भी खूंटी के पास जाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? यहाँ फ्रेंड अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। बहुत सिंपल तरह क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप सभी साथियों के जवाब 100% सही होने चाहिए। बेहद सिंपल क्वेश्चन है ये। जी हाँ, सबसे सबके जवाब सही होने चाहिए भैया, कि अनुबंधित जो अनुक्रिया है वह आप सभी लोग जानते हैं कि पावलाव के सीखने के थियरी से संबंधित है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इवान पैट्रिक पावलाव, ईपी पावलाव कि जो सीखने की थियरी इन्होंने दी है, जो सिद्धांत इन्होंने दिया है अधिगम का, उसी को तो नाम अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत है फ्रेंड। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। जी हाँ फ्रेंड, आई बी पावलाव, जी हाँ, आई पी पावलाव, इवान पैट्रिक पावलाव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, चूहे पर, बिल्ली पर या बंदर पर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके लिए मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बताइए, इवान पैट्रिक पावलाव को नोबल किस वर्ष मिला था? जी हाँ, क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ बना दे रहा हूँ कि इवान पैट्रिक पावलाव को नोबल किस वर्ष मिला, किस वर्ष मिला तथा किस संदर्भ में मिला, किस वर्ष मिला? यह क्वेश्चन तो बहुत ईजी है कि इवान पैट्रिक ने पावलाव, तो भाई आप तभी लोग जानते हैं पावलाव कुत्ता, जहाँ पर भी बात आती तो आप पावलाव कुत्ते की बात आती तो आप सभी को अज्ञात हो गया होगा कि पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। जी हाँ, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है। एक शरीर शास्त्री थे भाई पावलाव जी, और शरीर शास्त्री के मतलब शरीर के प्रति अपने सिद्धांत देने के लिए इनको 1904 में नोबल मिला था।
एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये भी जानते रहिएगा, रूस से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन से दिए जाने सुई का संबंध है। यह उदाहरण है प्राचीन अनुबंधन का, क्रिया प्रतीत अनुबंधन का, प्रयास और त्रुटि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइएगा। किस प्रकार के क्रिया के द्वारा बच्चा जो है वह डॉक्टर से अनुबंधित हो जा रहा है? प्राचीन अनुबंधन के द्वारा, क्रिया प्रस्तुत के द्वारा, प्रयास और त्रुटि के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करके बताओ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? फटाक से बताए फ्रेंड। मतलब पूर्व में उससे पहले से ये धारणा बनी हुई कि डॉक्टर जब भी आएगा सुई लगाएगा, बिना सुई के वह उपचार नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि उसका पहले से अनुबंधन है डॉक्टर से। तो विकल्प नंबर ए वाला जवाब सही होगा भाई। कहाँ विकल्प नंबर बी की तरफ चले जा रहे हैं? विकल्प नंबर बी तो पुनर्बंधन आधारित है कि जिस कार्य को करने पर बालक को, मतलब किसी भी कार्य को करने पर बालक यदि अच्छा कार्य करता है उसको शाबाशी देना, यदि बुरा कार्य करना है तो नकारात्मक पुनर्बंधन देना। पुनर्बंधन पर आधारित है क्रिया प्रस्तुत वाला थियरी, यह है आपके प्राचीन अनुबंधन पर। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया क्रमिक रूप से लुप्त होना कहलाता है। विलोपन, विलोपन, सामान्यीकरण, विभेदन या अनुबंधन। यह प्रश्न पूछा जा रहा है सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रक्रिया का क्रमिक लुप्त होना क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है, सामान्यीकरण कहलाता है, विभेदन कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। फटाफट बताइए क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 14 के फ्रेंड से कमेंट करके बताएं फ्रेंड। जी हाँ, सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है विलोपन। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर ए कमेंट करने वाले सभी जाति के जवाब 100% सही है। ए इज द राइट आंसर, उस प्रक्रिया को विलोपन का नाम देते हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। क्लासिक अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है यूसीएस, सीएस, सीआर और यूसीआर। यहाँ फ्रेंड कह रहे हैं कि क्लासिक अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया क्या है? यूसीएस है, यूसीआर है, सीएस है या सीआर है? यहाँ पहले इसको क्लियर कर देते हैं। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, सीएस का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस, सी आर का मतलब होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स, और यू सी आर का मतलब होता है कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। बताया फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है कि भोजन के प्रति लार की जो अनुक्रिया है, तो अनकंडीशनल का मतलब होता है स्वाभाविक, अनकंडीशनल यू सी का मतलब होता है फ्रेंड स्वाभाविक, और सी का मतलब होता है अस्वाभाविक। तो भोजन के प्रति जो लार की अनुक्रिया फ्रेंड वह अस्वाभाविक अनुक्रिया है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन ने वृक्ष से सेब नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज ली। न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज की। यह उदाहरण है अंतर्दृष्टि का, चिंतन का, प्रेरणा का या प्रेरणा का। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा विचार दिमाग नहीं लगाना है, जवाब आसानी से आपके सही हो जाएंगे भाई। सूझ, न्यूटन ने तुरंत अपने सूझ का प्रयोग किया, अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया और आसानी से उसने न्यूटन के नियम की खोज कर दी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि न्यूटन ने अपने सूझ का प्रयोग किया और तुरंत अपने दिमाग में विचार लाया यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, यह ऊपर क्यों नहीं गया, ये दाहिने क्यों नहीं गया, ये बाएं क्यों नहीं गया। इसीलिए उसने अनुमान लगा दिया कि पृथ्वी के पास जरूर कोई ना कोई शक्ति है जो इसको नीचे की तरफ खींचती है, इसलिए उन्होंने न्यूटन के 3 नियम दिए। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? लो भैया बार बार यही क्वेश्चन हम लोग आपको रिपीट करवाते हैं, इसलिए यहाँ रुकना नहीं है, तुरंत आंसर कमेंट करना है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सीधा
सी द राइट आंसर, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार हम लोग कर चुके हैं। गेस्टाल्टवाद में प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक वर्दीमर प्रयोग करता है आपके, प्रयोग करता है कोहलर और इनके सहयोगी हैं कुप्ता, सहयोगी है कुप्ता। यहाँ पर अपने माइक में चेक कर लीजिएगा, प्रयोग करता है कोहलर, सहयोगी हैं कुप्ता और जो जनक है, जो प्रतिपादक है वो वर्दीमर है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, संरचनावादी, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी वाले सही है भैया, प्रकारवादी है नहीं। सूझ के द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक है ट्रेंड है गेस्टाल्टवादी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सी द राइट आंसर। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, या फ्रेंड अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो जिन्होंने प्रयोग किया था वही तो प्रतिपादक होंगे फ्रेंड। तो प्रयोग किया था कोहलर ने, तो वही इसके प्रतिपादक हैं। इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग के जो प्रतिपादन है फ्रेंड, वह है कोहलबर्ग या कोहलर। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कोहलर इज द राइट आंसर। कोहलर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है कोहलर। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।